नमस्कार, मेरा नाम है कांशा चौहान और स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन के चैनल पर। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, साथ ही देश और विदेश की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन खुल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। ऑनलाइन नामांकन या सिफारिश की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल हैं। इन सम्मानों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। ये सम्मान 1954 से दिए जा रहे हैं। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, असाधारण और विशिष्ट सेवा, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और विशिष्ट सेवा के लिए। पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं। लोग इसके लिए खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर किसी की सिफारिश भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए सभी नामांकन केवल सरकार के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा, सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपुल्स पद्म में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को वास्तव में महिलाओं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों में से पहचाना जाना चाहिए, जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना नामांकन खुद भी कर सकते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए लोगों को नॉमिनेट करने के लिए गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा, नामांकन या सिफारिशों में उपरोक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्देशित सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए। अधिकतम 800 शब्दों में उनके बारे में बताया जाना चाहिए। इनमें उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों या सेवा को स्पष्ट रूप से बताया गया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।